हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्तवांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमानंद हरि प्रिय कर्तृपश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीपदाधर शिवासी भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निज भक्ति योगा शिक्षार्थम का पुरुषा पुराणा श्री चैतन्य शरीर धारण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारण कृपां बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ति हरे कृष्ण। आप सबका बहुत स्वागत है। अब ठंड में रजाइयाँ वजाइयाँ छोड़ के आ गए आप लोग। आप प्लीज़ अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपने कर दिया है एक बार चेक कर लीजिए। कई बार हमें लगता है लेकिन होता नहीं है, अचानक बज पड़ता है। अब अगर आपका फोन बजा तो आपको बहुत डांटूंगा क्योंकि वार्निंग दे दी ना। तो हम एक बहुत ही सिंपल एक विषय पे बात करेंगे और उसका एक उदाहरण लेके आएंगे हम महाप्रभु के जीवन चरित्र से। अभी ठीक है? तो हम लोग एक बिल्कुल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और महाप्रभु की लीला से उसका हम एक एग्जांपल लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। तो भागवतम के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नवयुग के अंदर मिलने आए थे महाराज नीमि से। तो महाराज नीमि ने जब उनको देखा तो बहुत हर्ष हुआ उनको। पहली बात बहुत ही खुश हुआ और उनको प्रणाम करने के बाद पहला चीज उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया और तुरंत क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इनफैक्ट उनको कुछ मतलब ऐसा भागवत में लिखा नहीं है, कोई पानी वानी पिलाया हो कुछ, सीधा ही उठा के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर एटिकेट होता है वैष्णव का संग करने के लिए, वैष्णव से मिलने के लिए। कि और उसका उन्होंने लॉजिक भी दिया, लॉजिक भी बताता हूँ आपको। तो जब मिले तो महाराज ने भी ने बोला दुर्बलो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। कि पहली बात है कि मनुष्य देही बहुत दुर्लभ है, 84 लाख यूनियों में मनुष्य देह मिल गई और फिर वो भी क्षण भंगुर है, कभी ख़त्म हो जाएगी, पदम पदम यद विद्या कभी ख़त्म हो जाएगी पता नहीं, नहीं? और वो बोल रहे हैं कि तो ऐसी क्या चीज़ है जो मनुष्य देह से भी ज़्यादा दुर्लभ है। मनुष्य देह तो दुर्लभ है ही, 84 लाख यूनियों में आपको मिल रही है और सबसे कम है, कोई 30 लाख है, कोई 9 लाख है, कोई ये है, कोई 10 लाख है, कोई 20 लाख है, ये सिर्फ 4 लाख है।
तो जैसे चार जो हमारे वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा शूद्र होंगे, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और सबसे कम ब्राह्मण। सो ये जब हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य योनियां वैसे ही कम है और इन टर्म्स ऑफ नंबर भी कम है, योनियां भी कम है, और फिर एक योनियों में अरबों खरबों लोग हैं, मनुष्य योनियों में कम लोग हैं, दो तरफों से चल रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं दुर्लभो मानुषो देहो, पहले दुर्लभ है, फिर देही नाम क्षण भंगुरा, और दुर्लभ है उसके बाद पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, ये भी पता नहीं चल रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं है कब मौत आ जाएगी। ऐसे मेरा एक कुलीग था, वो बहुत कर्मठ था, वो इजराइल में रहता था, शिमोन उसका नाम था, तो लॉयर था, रात को 2 बजे काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, हार्ट अटैक आया, उसका सिर लैपटॉप के कीपैड पे रख के मर गया, वो सुबह पता चला लोगों को मर गया ये क्षण भंगुर, अभी खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे हो गया। तो इससे दुर्लभ क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्ने, लेकिन मैं इससे भी दुर्लभ मानता हूँ वैकुंठ प्रिया दर्शन। वैकुंठ प्रिया मतलब, वैकुंठ मतलब कृष्णा, वैकुंठ प्रिया मतलब जो भगवान कृष्ण को अच्छे लगते हैं और जो भगवान कृष्ण के सेवक हैं, दोनों तरफ से जिनको भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं और जो भगवान कृष्ण को अच्छे लगते हैं, वैकुंठ प्रिया दर्शन, उनका दर्शन करना, वैष्णव का दर्शन करना, अरे वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो जब वो उससे ज्यादा दुर्लभ है तो, और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि एक क्षण अगर हमने लव मात्र साधु संघ के सर्व सिद्धि हुई, अगर एक क्षण से भी कम समय हमने वैष्णव संघ कर लिया, दर्शने पवित्र करो आये तो मार्ग, गंगा परश होते पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो आये तो मार्ग, तो और लव मात्र अगर साधु संघ किया तो सिद्धि मिलेगी, तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम भी कम है, देही नाम क्षण भंगुरा, टाइम भी कम है, पता नहीं कब मर जाएंगे नहीं? और साधुओं का संग जो है वो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, अगर बाय चांस मिल गए तो नाइसिटीज, और कैसे हो और घर में सब ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, क्या कर रहे हैं। जब रूपा सनातन गोस्वामी जब मिले थे चैतन्य महाप्रभु से रामा के लिए में, तो प्रणाम किया, गले में पट्टा बांध के दांत में अपने दांतों में तिनका दबाकर, तो महाप्रभु का इधर आओ, नहीं हमें डर लग रहा है, हमें शर्म आ रही है, क्या चाहते हो आप ये बताओ, हम कौन है और ये हमें 3 ताप क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, कैसे बचे इससे। आप लोग सोचो कि आपने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कब पूछे थे कि हमें हमारा माइंड इतना परेशान क्यों कर रहा है, क्या करें, कैसे बचे, भक्ति में कैसे आगे बढ़े। आप लोग खुद ही सोच लो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन कब पूछा था नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही हम इतना छोड़ देते हैं डिवोशन में आने के बाद, पहले को छोड़ दो, बल्कि जो डिवोशन में अभी आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कम से कम कुछ पूछ तो लेते हैं। एक बार हम आ गए 4-5 साल बीत गए, क्वेश्चन ही पूछना बंद कर देते हैं, सब पता है। और लेक्चर सुन लेते हैं,
पूरा दम लगा देगा वक्ता। अच्छा लेक्चर था, चलो घर चले। तो मैं पंजाब में लेक्चर देना था, मैंने बोला मुझे पता है आप सुधरोगे नहीं, फिर भी बोल देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहे। लेकिन जो महाराज निमी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, आते क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए और ये बोले कि ये बताओ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये बता दो मेरे को। मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, ये इस क्वेश्चन से शुरुआत कर दी। और आप देख लो, ये क्वेश्चन जो है अर्जुन ने भी पूछा था कि मेरे लिए क्या श्रेय है, वो मुझे आप बताओ, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे आप बताओ निश्चित करके मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। उसको पता चल गया, उसको पता चलेगा। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जनरली हमें क्या करना है, जैसे हमें स्कूलामाला करनी है, चार नियम का पालन करना है, हमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है, नहीं? ये जनरल एक डायरेक्शन है। फिर ये सभी को करना है, लाखों लोग आ जाए, क्या करना है, ये करना है। इसके बाद आ जाती है बात कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये बताओ। गुह्य माँ क्या थी परिस्थिति, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे आप भक्ति कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी वाइफ क्या सोच रही है, आपके हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, आपकी जॉब, आपका बिजनेस कैसे टाइम निकाल रहे हो, क्या हो रहा है आपका, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें व्यक्तिगत होती हैं। और ये बात दूसरे को बताने के लिए, और दूसरा आपकी बात को समझ जाए, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप मिले और मिलते ही आपने ऑफलोड कर दिया। मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है, मेरी बीवी ये सोचती है, मेरे हस्बैंड ये सोचते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्या करूँगा, ऐसे नहीं होता। परसों इधर रोहिणी मंदिर में भागवतम में लेक्चर कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था गाइडेंस लो, गाइडेंस लो। तो एक लड़का आया, उसने कहा मैं बताऊँ मैं क्या करूँ, मैं मुझे क्या बता दूँ, क्या क्या करना है तुम्हें, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तुम्हें जानते नहीं, पहली बार मिले हो तुम, कैसे मैं कैसे बता सकता हूँ। जिससे गाइडेंस ले रहे हो, जिसके मार्गदर्शन में हो, जिसके अनुगत हो, उससे जाके पूछ लो। अब प्रॉब्लम है अनुगति नहीं है किसी, ये प्रॉब्लम है अनुगति नहीं। और फिर सेकंड लेवल पर चले जाते हैं, चलो अनुगत हैं जी, हम फलाने डिवोटी के अनुगत हैं, उनके मार्गदर्शन में। अच्छा भाई, तुमने लास्ट टाइम उनसे बात कब की थी, बात नहीं की, बस मिले, हरे कृष्णा, लेक्चर सुना, बहुत बढ़िया लेक्चर था, काम खत्म हो गया, घर चले गए, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार जब मिलो पूछना शुरू कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन आप पूछो, फिर उसको करो, प्रॉब्लम्स आएंगे, क्लैरिफिकेशन लो, और जब उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करो। और बताओ क्या करें, हम ये कर लिया, हम ये हम कर रहे हैं, कंफर्टेबल हो गए, अब बताओ और क्या करें, अब बताओ और क्या करें, ऐसे गाड़ी चलती है ना, ऐसे गाड़ी चलती है।
तो वो टाइम लगाना पड़ेगा। वो टाइम कौन लगाएगा? वो टाइम आप लगाओगे। वो टाइम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी थोड़ी ना, या जो भी वरिष्ठ वैष्णव है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। वो तो अपने आप को उपलब्ध कर रहे हैं, उपलब्ध कर दिया, अब उन्होंने उपलब्ध कर दिया, अब आपकी बारी है। अब आप क्या उनके उस उपलब्धता का, उस अवेलेबिलिटी का क्या आप फायदा उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, ये क्वेश्चन है। और आपने पूछ लिया फिर किया नहीं तो प्रॉब्लम है। तो सारा दारोमदार उठ के आपके ऊपर आ जाता है, सारा दारोमदार। अब ये क्या करें? हम लोग छोटे छोटे फायदों के बारे में सोचते रहते हैं। चलो कई ड्यूटीज भी होती हैं करना है, अगर जॉब पे जाना है तो टाइम पे जाना ही है, अगर हमने बिजनेस पे जाना है तो टाइम पे जाना ही है, 5-10 मिनट आगे पीछे होता है चलता है, लेकिन टाइम पे जाना ही है। बच्चों को स्कूल भेजना है, भेजना ही है। अगर आपने सुबह कुकिंग करनी है, फिर कपड़े धोने हैं 11 बजे, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, फिर ये करना है वो करना है, वो चलो सब करना है, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन आता है आप छुट्टी नहीं ले लेते? जॉब से भी छुट्टी ले लेते हो, बिजनेस से भी छुट्टी ले लेते हो, नहीं? मैंने कई दुकानों पे मैंने वो नोटिस लोग चिपका देते हैं शटर के ऊपर, जिनके बिजनेस भी होते हैं, कि भाई हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है या कुछ घटना दुर्घटना हो गई है, ये दुकान 2 दिन बंद रहेगी या 1 दिन बंद रहेगी। लोग ऐसे करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कागज़ से हाथ से लिख के वो कागज़ चिपका देते हैं अपने शटर के ऊपर। लेकिन जब वैष्णव कोई आता है तो हम सारे सुपर बिजी हो जाते हैं तो हम स्टिकर नहीं चिपकाते, क्यों? क्योंकि हमें वो वैल्यू समझ में नहीं आती है। हाँ, ठीक है, आया था आ गया, फाइन, दोबारा आ जाएंगे, क्या हो गया, कौन सी परिवार है? हम जो वो जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, जो कर्तव्य है हमारा देना, वो हम दे नहीं पाते। इसी कारण से मैं ये नहीं कह रहा कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, बढ़ रहे हैं बिल्कुल, वो जो कछुए नहीं, कछुआ फिर भी तेज चलता है जो स्नेल को क्या बोलते हैं, कछुआ जो होता है ना, वो कछुए से भी धीरे चलता है, नहीं? तो वैसे ही है। तो ये हम तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि साधु संघ इस संसार के बेशकीमती खजाने से भी कीमती, लेकिन हम इस बात को हम रियलाइज नहीं कर पाते। आपको जो हमें पता है, हमें तो पता है, तो फिर कर क्या रहे हो? अगर पता है आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, अगर एक्शंस में नहीं दिख रहा इसका मतलब क्लियरली नहीं पता। जैसे हम भगवान को देखते हैं, भगवान कृष्ण है, पश्यन अपि न पश्यति, भगवान को देख लेते हैं लेकिन उनकी क्या महिमा है हम समझ नहीं पा रहे। हम देख तो रहे हैं क्योंकि क्या महिमा है, ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो हम रियलाइज नहीं कर पाते हम बेसिकली, ये बेसिक पॉइंट है। तो उन्होंने बोला आप मुझे फटाफट बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो मेरा मन शांत होगा। तो नवयोगेंद्र की बारी आ गई। नवयोगेंद्र ने बोला अरे भैया तूने प्रश्न पूछ लिया, तेरा धन्यवाद लोग पूछ ही नहीं रहे, अब पैर छू के खींच लो, साधु में पैर छू लो और बस लूट लो कुछ, क्योंकि हमने सुना हुआ है भाई ये सांप पादर जो भी शिखम वहां से मिल जाएंगे, छुपे चोरी कर लो भाई, मेहनत मशक्कत करो,
कुछ पसीना बहाओ, मुंह से झाग निकलना चाहिए। घर के काम करते करते झाग निकल रहा है, यहाँ पे भी निकालो अपने मुंह से झाग। भागवत में कह रहे हैं मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है, फेन इतनी मेहनत में लगे हुए। और कल मैं, मेरा एक रिलेटिव है वो US से आया था, कहा भैया राजा मिलने के लिए। मैं अच्छा आ जाता हूँ तो मैं मिलने गया। तो मैंने सुनो पैसे वैसे जोड़ लिए तूने कुछ? कह रहा मुझे 22 साल हो गए, मैंने यहाँ कुछ पैसे वैसे सेव किए नहीं किए। कहे हाँ सेव कर लिए, अगर मैं इंडिया आ जाऊँगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, US में रहूँगा तो काम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि खर्चे हैं उस हिसाब से। मैंने कहा अच्छा। कहते ला तेरे हार्ट बीट चेक करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसका एक मशीन थी इतनी छोटी सी, उससे उंगली में मेरे लगा दी, मशीन चेक किया उसने, तो मेरी हार्ट बीट थी 69-70 चल रही थी। वो हैरान हो गया, कह रहे यार 70 कैसे है तेरी हार्ट बीट, मेरी तो 82-85 के आसपास चलती है। मैंने कहा तू स्ट्रेस में है? मैं स्ट्रेस में हूँ। तो स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? मैंने कहा आ जा मैं तेरे को बता दूंगा। तू आएगा नहीं। क्या करे, झाग निकल रही है मुंह से हमारे नहीं। कह रहा ये मशीन में 70 रुपये आज तक आया नहीं कोई। तू ही पहला है 70 दिखा दी। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, झाग निकल रही है मुझसे बेसिकली। वो हम यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करते, इधर नहीं लगाते हम आध्यात्मिकता में, पूरा दम लगा देंगे अपने काम धंधे में, जबकि पता है मृत्यु सर हरश्चा सब छीन ही जाएगा। सबको पता है कर्मणा देव नेत्र ना मिलेगा, आपके पुराने कर्म है और भाग्य में जो आपके हैं वो मिल ही जाएगा। फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में हमारे वो फिट है कि भैया पिला रहे तू बस, और कुछ मत सोच, इधर उधर मत देख, लगा रहे गधे की तरह। जीव के करे गाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करे गाधा। जो ये जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारे भजने बाधा, जितनी भी हम ये एजुकेशन ले रहे हैं स्कूलों में भी, घर में भी, फ्रेंड्स के अंदर भी, एक ही चीज है। देखो घर कितना बड़ा है, देखो गाड़ी कौन सी है, तेरे जेब में कितने पैसे है, अबे ये तो पूछ ले तेरे मन में क्या है, ये भी तो पूछो, ये कोई नहीं पूछ। झाग निकल रही है मुझसे पैसे। तो साधु ने बोला रहे भैया कोई तो मिला क्वेश्चन पूछने वाला। चलो क्या टाइम हो गया, 8:40 हो गए, लेकिन आप लोग लेट ही आए थे, क्या करें। अभी तो हम मुद्दे पे आए नहीं। अभी तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुद्दे पे तो आए नहीं अभी। 9 बजे ख़त्म कर रहे हैं, 9:15 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो नवयोग इंद्र में एक है कवि, उन्होंने आंसर दिया, श्री कवि को वाचा, मन्ने कुतश्च भयम अच्युतस्य पादाम्बुजो पासनम अत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असत आत्मभावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। एक भय खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? तो मतलब फर्स्ट आंसर ही है दे रहे हैं कि भय कैसे खत्म होगा। तो उन्होंने बोला जो देहात्म बुद्धि में असत आत्मभावात जो अपने शरीर में चिपके हुए हैं, अपने शरीर का मतलब अहम अमेति, मैं हूँ मेरे, जो देहात्म बुद्धि में वो कॉन्स्टेंटली सतत निरंतर
टेंशन में जी रहे हैं। ये भी डर है कि मेरे को कुछ ना हो जाए, फिर ये भी डर है कि इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। लाइन लगी हुई है कि भाई इन लोगों को कुछ होना चाहिए। और जितने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हैं, उतने ही ज्यादा सोचना पड़ेगा इसको कुछ हो तो नहीं है, उसको कुछ हो तो नहीं है। अगर वैराग्य है होता रहे, क्या करो, हो गया हो गया, मैंने तो नहीं किया ना बात खत्म हो गई। ये जो सतत भय में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, वो कैसे सुख का अनुभव कर सकता है? अशांतस्य कुतो सुखम, मन ही अशांत है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुनिया भर के टेंशन है, वो कैसे सुख का अनुभव कर सकता है? हो ही नहीं सकता, नहीं कैसे होगा, कोई चांस ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये डर से आप मुक्ति कैसे पा सकते हो, कि अच्युतस्य पादां भुज, उनकी उपासना करो जो कृष्ण है, उनके चरण कमलों की उपासना करो, उससे आप उस डर से बाहर निकलाओगे। भागवतम 11:33, इससे आप बाहर निकलाओगे। फिर आगे उन्होंने बोला ये वह भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धते लब्धते अंजह पुंसाम विदुषाम विधि भागवतानिताम, कि जो बेवकूफ है, ज्यादा समझदार नहीं है, क्या वो समझ सकते हैं? वो कह रहे हैं हाँ समझ। भागवतानिदान, भागवत धर्म का पालन करके वो समझ सकते हैं। भागवत धर्म क्या है? जो भगवान ने स्वयं स्थापित किया, जो भगवान ने जो प्रोसेस, जो सिस्टम, जो प्रक्रिया दिया है, उसका पालन करो। अगर कोई बेवकूफ भी होगा वो भी समझ जाएगा, कोई बेवकूफ भी होगा। अंजा, अंजा का मतलब प्रभुपाद इसमें अंजा का ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंजा का मतलब इजीली, आराम से, आराम से कर लेंगे। और आगे जो श्लोक जिसके लिए पूरा ये भूमिका बना रहा था मैं, आगे जो कवि है उन्होंने बोला या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित धावन निमिल्यवान थे, कि या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित, कि अगर हमने इस भागवत धर्म का पालन किया जो भगवान ने दिया है, इस भागवत धर्म का पालन किया न प्रमादेत कर्हिचित, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, कभी दिमाग में शंका नहीं आएगी, यार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अगर शंका आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पालन करने के तरीके में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम ठीक से पालन नहीं कर रहे। अगर हमारे दिमाग में जो है सुख का अनुभव नहीं कर रहे, अगर हम सोच रहे हैं पता नहीं यार क्या होने वाला है, क्या होगा, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो साधना है, जो हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो पूछो जाके, अगर प्रॉब्लम है तो जाके पूछो। ये आईफोन है, ये आईफोन है, दिखाना। सो मतलब पूछना पड़ेगा जाके आपको, नहीं? अगर आपको कंफर्टेबल आप लग रहे हैं, हाँ चलो चल रहा है, ओके फाइन, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, इसका मतलब सही है, तो फिर आप उस एक लालसा को डेवलप करो कि अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। और अगर प्रॉब्लम्स लग रही हैं उसकी क्लैरिफिकेशन ले लो, दोनों तरफ से काम करेगा। मतलब चुप नहीं बैठ सकते, चुप नहीं बैठ सकते। प्रभुपाद बोल रहे हैं स्टैटिक कभी नहीं रहेगा, या ऊपर जाओगे या नीचे रहोगे,
ऐसा नहीं है यहाँ पर हो यूं चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। स्टैटिक नहीं है, यहाँ ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। और अगर पंख फड़फड़ाते नहीं रहोगे, अगर पंख फड़फड़ाते नहीं रहोगे तो पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जो ऊंचाई है, जो आल्टीट्यूड है, वो लूज करते जाओगे। आप पहले 1 किलोमीटर ऊंचा उठ रहे थे, फिर धीरे धीरे अगर आप चाहे बाज भी हो, ईगल हो, स्ट्रांग विंग्स हैं आपके, फिर भी आल्टीट्यूड लूज कर जाओगे, फिर भी लूज कर जाओगे। आपको पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे मेंटेन करने के लिए उसको, और ऊपर उठने के लिए और दम लगाना पड़ेगा। एफर्ट किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे छोड़ नहीं सकते, एफर्ट करना। तो वो कवि ने बोला कि अगर आपने इसका पालन कर लिया, कभी शंका नहीं आएगी आपके मन में। और उन्होंने बोला, धावन निमिल्य वा नेत्रे, निमिल्य आंखें बंद करके, आंखें बंद करके वा नेत्रे धावन दौड़ोगे, धावन निमिल्य वा नेत्रे आंखें बंद करके दौड़ लेना। ना स्खलित न फिसलोगे, ना पतित न गिरोगे, ना स्खलित ना पतित ही, ना फिसलोगे ना गिरोगे। दौड़ते रहना आंखें बंद करके, चौड़ा रास्ता हो जाएगा, इतना चौड़ा रास्ता हो जाएगा। और दौड़ना, कोई आपके कहीं से टकराओगे नहीं आप। अगर ये प्रोसेस को फॉलो किया, ये प्रोसेस को फॉलो किया, इसमें कुछ और साथ में पॉइंट्स भी हैं, लेकिन वो उसको अभी छूऊंगा नहीं मैं उसको। तो एक सिर्फ एक बात आपको बोल देता हूँ कि जब हम बोल रहे हैं धावन निमिल्य वा नेत्रे, आँखें बंद करके दौड़ना, तो जीवा गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में एक बात बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्रों का उल्लंघन कर दो। तो जीवा गोस्वामी उस श्लोक कोट कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना क्या है एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एव कल्पते। अगर आपने शास्त्रों का पालन नहीं किया, शास्त्रों का उल्लंघन करके अगर आप हरि भक्ति करोगे तो उत्पात हो जाएगा। तो जो भी करना है वो शास्त्रों के पालन के अनुसार करना पड़ेगा। अगर आपने शास्त्रों का पालन नहीं किया तो सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम अभी इस बात पे फोकस कर रहे हैं, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आप आंखें बंद करके दौड़ोगे, आप ना फिसलोगे ना गिरोगे। तो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य लीला में घटना आती है, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था कटवा में, और संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद संन्यासी के लिए नाचना वर्जित है, लेकिन महाप्रभु ने मुकुंद को बोला कि तुम कीर्तन शुरू करो। तो मुकुंद ने कीर्तन शुरू किया और महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, केशव भारती देख रहे थे महाप्रभु को नृत्य करते हुए। महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर दिया। आलिंगन करते ही केशव भारती को, तो केशव भारती माइंड आउट हो गया, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, उन्होंने भी साथ में नृत्य करना शुरू कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा टाटा बाय बाय, मैं चलता हूँ, अब मैं जंगल में प्रवेश करूंगा और कृष्ण को ढूंढूंगा। केशव भारती ने कहा जा रहे हो भैया, मुझे छोड़ के, मेरे को भी साथ ही लेके चलना, मैं नहीं छोड़ सकता आपको, चलो। तो महाप्रभु चल दिए वक्रेश्वर महादेव की ओर, राड देश में।
राड देश दो तरह के देश हैं, उत्कल और बंगाल को मिला के ये जो है इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है, मिक्सचर है बेसिकली ओडिशा और बंगाल, उसको आपस में मिला दिया, समझो खिचड़ी बना दी, फिर उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, जहाँ गंगा बहती है जहाँ गंगा नहीं बहती, जहाँ गंगा बहती है उसको गॉड देश बोलते हैं, जहाँ गंगा नहीं बहती उसको राड देश बोलते हैं। राड देश में प्रवेश करें, मकरेश्वर महादेव के लिए चल रहे थे, थोड़ी सी दूर रह गए थे मकरेश्वर महादेव से, थोड़ी सी दूर रह गए थे, बड़ा मन दुखी हो रहा था उनका, राड देश में घुस तो गए थे लेकिन कोई कृष्ण नाम नहीं ले रहा था, कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा था। तो महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, कोई कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा मन दुखी हो गया, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। अभी महाप्रभु ने ये बात बोली कि एक वो ग्वाला था, एक छोटा सा बच्चा, वो हरे कृष्णा का नाम ले रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। चैतन्य महाप्रभु का ये कैसे नाम ले रहा है, क्या आसपास गंगा है क्या कहीं पर? महाप्रभु ने पूछा क्या आसपास गंगा है क्या कहीं पर? नित्यानंद प्रभु ने हाँ थोड़ी 3-4 घंटे का रास्ता गंगा है। तो उन्होंने बोला बस वो गंगा को छू के जो हवा यहाँ तक आई है, इस बच्चे से टकराई है हुआ, इसीलिए गंगा की महिमा है, ये गंगा की महिमा है, जो ये जो बच्चा है ये कृष्ण का नाम ले रहा है। उसके बाद महाप्रभु ने गंगा की महिमा में कई श्लोक बोले और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ने 5 पेज भर दिए गंगा की महिमा में, अलग अलग जगह से श्लोक लाकर। आप लोग पढ़ सकते हो चैतन्य भागवत में अगर टाइम मिले तो। महाप्रभु ने बोला अब वक्रेश्वर महादेव की तरफ नहीं जा रहे थे, अब उन्होंने बोला मैं गंगा की तरफ जाऊंगा, तो पूर्व दिशा में गंगा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बस उनके साथ में नित्यानंद प्रभु दौड़ पा रहे थे, बाकी सब पीछे रह गए। दौड़ते दौड़ते गंगा में पहुंचे, स्नान किया, बोले अब जाके मन शांत हुआ, पहले ढेर सारा पानी पिया गंगा जल, स्नान किया, बोले अब थोड़ी मन को शांति मिली है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला अब आप यहाँ से नवद्वीप चले जाओ और सब लोगों को बोलो कि मैं जा रहा हूँ कमल लोचन के दर्शन करने। कमल लोचन कौन है? जगन्नाथ जी। मैं नीलाचल जा रहा हूँ कमल लोचन के दर्शन करने और मैं फुलिया और शांतिपुर होता हुआ जाऊँगा। फुलिया में हरिदास ठाकुर रहते हैं और शांतिपुर में कौन रह रहे थे? अद्वैताचार्य। वहीं पे तो पीटा था चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को शांतिपुर में, वहीं पे पीटा था ना अद्वैताचार्य को, क्यों पीटा था कभी फिर बात करेंगे। तो मैं फुलिया जाऊंगा, वहाँ से शांतिपुर जाऊंगा, तो सबको बोलो आ जाए। नित्यानंद प्रभु दौड़े वहाँ से इस खुशी के अंदर कि सारे वैष्णव को महाप्रभु से मिलाने का मुझे अवसर मिला। दौड़े और गंगा में छलांग लगा दी उन्होंने और छलांग लगा कर से लेट गए। गंगा उनको लेके जा रही है वहाँ पे, दौड़ रहे हैं गंगा में छलांग लगा कर लेट जाते थे, तैर रहे थे, पहुँच गए वहाँ पर मायापुर नगरी। जब पहुँचे तो सारे मरने वाले हो रहे थे वहाँ पे, जितने महाप्रभु के पार्षद थे सब सोच रहे थे कि चलो मर ही जाते हैं, काम खत्म हो गया। 12 दिन बीत चुके थे जब महाप्रभु अपना घर से घर छोड़ के भागे थे कटवा के लिए।
12 दिन बीत चुके थे। जब नित्यानंद प्रभु वहां पहुंचे हैं तो 12 दिन बीत चुके थे। चैतन्य महाप्रभु के मुंह अंधेरे घर छोड़ के भागने से लेके उस दिन तक, और 12 दिनों के अंदर शची माता ने एक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। 12 दिन भूखा रहना मतलब बड़ी बात होती है। ये तो महाप्रभु की दया है कि उनकी देहावसान नहीं हुआ, शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। तो महाप्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु ने उनको समाचार दिया, नित्यानंद प्रभु ने समाचार दिया उनको कि महाप्रभु फुलिया जा रहे हैं, फिर वहां से शांतिपुर जाएंगे। तो सबको बुलाया, तो सारे तैयार हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा मुझे भूख लगी है, पहले आप मुझे कुछ खिलाओ। नित्यानंद प्रभु खाना नहीं चाहते थे, नित्यानंद प्रभु खिलाना चाहते थे। नहीं? जैसे चैतन्य महाप्रभु गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर पूरी में प्रसाद पाने के लिए, तो महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद आ गया था अमोक। उसने कहा ये क्या, ये तो 10-12 लोग खा जाएंगे तो वो केले खा रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने डंडे से भगा दिया उसको, मारने की भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो जवान था, दौड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया चले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने नहीं पाया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु का छोटे बच्चे है, हंस के बोला महाप्रभु ने, अच्छा ठीक है, और क्या गलत कह रहे, सही कह रहे, तुमने इतना सारा ढेर लगा दिया मेरे सामने, क्या गलत कहना। उसका भी उत्तर दिया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद पाने से पहले। तो महाप्रभु चले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद पाया। फिर चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो बीच में और भी कई घटनाएं हुई। तो खैर महाप्रभु आए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास वापस अगले दिन, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला सब ठीक हो गया है, मेरे लिए आप प्लीज प्रसाद पा लो। और गोपीनाथ आचार्य को वहां पे बिठा के गए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ठीक है मैं पालूंगा आप चलो। नहीं ऐसा नहीं, तुमने पहले भी नहीं पाया था। तो गोपीनाथ आचार्य को बिठा कर गए कि भाई मुझे रिपोर्ट चाहिए तेरे से। कितना मतलब यार कमाल हो गया, मतलब कितना ध्यान रख रहे हैं वो। जगदानंद पंडित है, जगदानंद पंडित महाप्रभु के लिए वो सुगंधित तेल का मटका भर के ले आए किसे, और हटाओ यार तुम मेरा संन्यास ही खराब कर दोगे, तुम पागल हो, तुम तुम्हारा क्रेजी मैन। गदाधर पंडित उसको, जगदानंद पंडित को गुस्सा आ गया, उठा के वहीं पे पटक के मारा जाना है इसी की तैसी। और भूखा रहना शुरू कर दिया। तो फिर महाप्रभु गए उसके पास, यार छोड़ ना यार, चल भूख लग रही है मुझे कुछ बना दे। और जगदानंद ने जैसे सुना तो उनको भूख लग रही है, सारा गुस्सा एक तरफ, फटाफट रंधन पकाना शुरू कर दिया, फटाफट चल तू भी खा ले, खा ले प्लीज, ठीक है खा ले। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला भूख लगी है कुछ बनाओ। उन्होंने शची माता ने सब सारे वैष्णव के लिए, सारे इकट्ठे हुए पड़े थे वहाँ पे, सारे वैष्णव के लिए बनाया और बनाकर सबको खिलाया, और फिर खुद भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद अब सब भागे हैं फुलिया की ओर, सारे अब वैष्णव, सारे भगवान के पार्षद और दुनिया भर के लोग दौड़ रहे हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि अनंत अर्बुद लोग हैला खेया घाटे, अनंत अर्बुद, अर्बुद करोड़, अनंत हजारों करोड़ लोग खैया घाटे, मतलब जहाँ से बोट में बैठ के आप पार करोगे खैया घाटे, वहाँ पे पहुँच गए, हजारों करोड़ लोग पहुँच गए वहाँ पे। खियारी करी थे पार पड़ीला संकेटे, और जो खियारी मतलब जो वो नाविक है जो मल्ला, उस टेंशन आ गई उसको, कैसे लेके जाऊँ इनको भैया इतने सारे लोगों को। चलो भीड़ होती है आमतौर पे, 10 लोग होते हैं, चलो आज भीड़ है 100 हो गए, करोड़ों लोग आ गए, क्या करूं भाई, कैसे इनको लेके जाऊं। केह बांधे भेला केह घट भूखे करे, केह वा कलार गाच धरिया संतारे। तो कई लोगों ने केले के जो केले का जो होता है तना, केले के पेड़ का, उससे उन्होंने नौका टाइप कुछ बना ली, और कई लोगों ने घड़ों को उल्टा करके उसी पे चढ़ के पार करने की कोशिश कर रहे थे वो नदी को। कई एक हाथ से केले का तना पकड़ा हुआ था, एक हाथ से तैर। कतवा हैला लोग नाही समुच्चय, ये मते पारे सही मते पार है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कितने लोग हैं, मतलब हजारों करोड़ कोई बात होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कितने लोग हैं, जो जैसे पार कर सकता था पार किए जा रहा था। गर्भवती नारी चले घन श्वास भाई, बहुत कई गर्भवती स्त्रियां भी थी, वो भी चल रही थी, गहरे श्वास भर के चल रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। चैतन्य रे नाम करे सह पार है, उन्होंने भी पार कर ली नदी, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते रहते बिना नाव के, बिना नाव के गहरी नदी पार कर ली उन्होंने। अंध खोंडा लोग सब चले साथे साथे, चैतन्य नामे थे प्रशस्त पथ देखे। अंधे लूले लंगड़े सब इकट्ठे चल रहे थे, और उनको लग रहा था रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा, हजारों करोड़ चल रहे हैं, किसी से टकरा रहे नहीं, कुछ नहीं हो रहा, उनको लग रहा था बहुत चौड़ा रास्ता है, हम तो आराम से चल रहे हैं। चैतन्य नामे थे प्रशस्त मार्ग, प्रशस्त हो गया था, खुल गया था रास्ता। धावन नहीं मिलने वाले थे, नास खेल नास खले ना पते दी, सहस्त्र सहस्त्र लोग नाये चढ़े, सहस्त्र सहस्त्र लोग एक नाये चढ़े, एक नौका पे हजारों हजारों लोग चढ़ गए, तो क्या होगा, क्या होगा, नाव डूब जाएगी, और वही हुआ। सहस्त्र सहस्त्र लोग एक नाये चढ़े, कत दूर गया मात्र नौका डूबी पड़े, थोड़ी दूर गई नाव, मझधार में पहुंच गई और डूब गई नाव। तथापि हो चित्ते के हो विषाद न करे, फिर भी किसी को कोई टेंशन नहीं हो, नाव डूब गई क्या करेंगे। भासे सर्व लोक हरि भले उच्चे स्वरे, सब लोग हरि का नाम लेते रहे जोर जोर से। ये ना जाने शांता रीते से यो भासे सुखे, जिनको तैरना नहीं आता था वो भी सुख से थे। ओ नाव डूब गई, हमें तैरना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। ईश्वर प्रभावे कूल पाए बिना दुखे, और वो लोग परले दूसरे घाट पर पहुंच गए बिना किसी दुख के, बिना किसी के। ये प्रभाव है, ये प्रभाव जो धावन निमिल्य वाले थे नाश खले इतना पते दिया, कुछ नुकसान नहीं होगा, कभी कुछ
आशंका अपने मन में रखने नहीं चाहिए कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं भाई, भगवान की रक्षा में आ गए हम, तो कैसे हम ये शंका मन में ला सकते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, हमने देखा है कई वैष्णव को बड़ी तकलीफें आती है, वो तकलीफें उनको ग्लोरीफाई करने के लिए दे रहे हैं भगवान, वो कर्म फल नहीं है, भगवान का प्रेम है। प्रभुपाद के कई शिष्यों को कैंसर हो गया, जयानंद को भी आई थिंक उनको भी कैंसर ही था, जयानंद प्रभु को, और जयानंद प्रभु के पास जितने पैसे थे उन्होंने पहले पैसे दिए थे $5,000 प्रभुपाद को दिए थे भगवद गीता छुपाने के लिए, फिर उनके पास $5,000 रह गए थे अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, वो भी दे दिए, ये भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। चलो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जयनंद प्रभु को, हॉस्पिटल का बेड बहुत अच्छा था, वो बेड को अच्छी तरह से सजा सवार के उस पर प्रभुपाद की फोटो रख दी है, प्रभुपाद का आसन बना दिया उसको, खुद जमीन पे लेट रहे थे। मैं कैसे इतने सुंदर बिस्तर पे लेट सकता हूँ, वो बोल रहे थे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीमारी को, अगर कोई मुझे बोले कि ये कर लो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, भैया प्रभुपाद को भक्ति को नहीं छोड़ सकता, मरना मंजूर है। ऐसे सिर्फ जयानंद प्रभु ने, अनेक कई प्रभुपाद के भक्तों ने ऐसे, कई भक्तों ने, तो ये उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, जो भगवान अगर किसी वैष्णव को संकट में डाल रहे हैं उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान। कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रोटेक्शन है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेंट कर दे तो प्रॉब्लम है, यार तूने कंप्लेंट कैसे कर दी ये बता देंगे। जब तू इस मार्ग में आ गया, तूने बोला मैं आपका हूं, जब तूने ये बात बोल दी मैंने तेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तूने कंप्लेंट कैसे करती, भगवान को फिर गुस्सा आ जाता है, यार तेरी मतलब इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तूने कंप्लेंट कैसे करती, क्या मतलब है भाई कंप्लेंट करने का, कंप्लेंट नहीं कर सकते, अब घुस गए, अब तो भगवान जैसे रखेंगे वैसे खुशी से रहेंगे, ये बात आ जाती है। ये सोच लिया ना स्खले ना पते दिया, ना फिसलोगे ना गिरोगे, आराम से सुसुखम कर तुम्हारा व्यायाम, आराम से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ, कोई दिमाग में किस तरह के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर भौतिक संपत्ति अगर आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई है, कौन सी बड़ी बात, क्या हो गया, मतलब छूट ही जाएगा, मृत्यु सर्व हरश्चाम खत्म हो ही जाएगा, मतलब क्या उसके पीछे पड़े हुए हाथ धोके, हाथ धोके पड़ने हैं भगवान के पीछे का, नहीं ना स्खलित पते दिया, कंप्लेंट मत करो, आ जाओ, और इस जो ये प्रोसेस है भक्ति का, इसके अंदर पूरी तरह से डूब जाओ इस प्रोसेस में, तो भवसागर में डूबोगे। जैसे गर्भवती स्त्रियां बिना तैरना जानते हुए भी गहरी नदी गंगा नदी को पार कर गई, नाव डूब गई लोग पार कर गए, तो ये भगवान का, भगवान कृष्ण का, महाप्रभु का ये एक बहुत छोटा सा प्रताप है, उनका ऐश्वर्य है बहुत छोटा सा,
रक्षेशी इति विश्वास हो, विश्वास होना चाहिए भगवान रक्षा करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर पूरे मनोयोग से करो, पूरे मनोयोग से करो तो आप देखना कैसे गाड़ी आगे चलती है। और शुरुआत होगी बार 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 जिज्ञासा करते रहो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, वहाँ से इस बात की शुरुआत होगी जैसे महाराज ने मैंने किया था। ओके, यहीं पे इसको रोक देता हूँ, 9:10 के करीब टाइम है, शायद 9:12 हो गए। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी प्रभु जी आपने बोला कि मनोयोग से भक्ति करनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है भक्ति, बीच में अगर कोई भौतिक प्रॉब्लम्स आती है, लाइक कोई डिजीज आ रही है या कुछ और फैमिली प्रॉब्लम, तो क्या उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, लेकिन टेंशन में मत आ जाओ, ये क्या हो गया, ये मत बोलो। नहीं तो इलाज करो, क्यों इलाज करो उसको, क्योंकि ये जो शरीर रूपी यंत्र है उसे भगवान की सेवा करनी है ना, इसलिए करो इलाज, ध्यान रखो उसका, टाइम पे खाओ युक्त आहार विहार से, टाइम पे खाओ टाइम पे सो, शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जितने भौतिक लोग ध्यान रखते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखो, लेकिन भगवान की सेवा के निमित्त ये सोच के भगवान को सर्व करना है इससे, इसलिए टेंशन नहीं आएगी। हाँ क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, आप कह रहे टेंशन मत लो, टेंशन हम लेते तो नहीं, वो आते हैं अपने आप आते हैं, दे द गेस्ट्स एवरीडे दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। वो टेंशन अपने आप इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ नॉलेज है हमारे पास कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, हमारे दिमाग में पिछले 30-40-50 साल से डेटा हमने भर रहे हैं इसके अंदर, उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हो गया, तो जैसे हमारे साथ वैसा होने लगता है वैसे ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो पूरी पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है और टेंशन आ जाती है। तो ये जो नॉलेज है ये हवा की तरह है लेकिन वेट नहीं है इसमें, तो अपने दिमाग रूपी ग्लास के अंदर आप भगवत ज्ञान रूपी दूध अमृत उसमें डालना शुरू कर दो, हवा बाहर निकल जाएगी, उस नॉलेज को रिप्लेस कर दो भगवान के ज्ञान से, वो धीरे धीरे वो श्रद्धा आप में डेवलप हो जाएगी। उसके लिए आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट से बात करनी, उससे बात बनेगी। अगर हम सोचें कि चलो 16 वाला कर रहे हैं, चलो गाड़ी चले जा रही है, चार रहे हैं, वो भी चल रही है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी भगवान के प्रति और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक बढ़ाने के लिए। जब वो करेंगे धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ फिट होती चली जाएगी, जब वो फिट होनी शुरू होगी तो वो दूसरी चीज़ों को धकेल के बाहर निकाल देगी अपने आप, फिर हम कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम इन टर्म्स ऑफ डिवोशन सोचेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ जो मटेरियल प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, फिर हम डिवोशन के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। अब वो प्रोसेस कठिन भी है सरल भी है, आप उसको कठिन बनाना चाहोगे कठिन बन जाएगा, आप सरल बनाना चाहोगे सरल बन जाएगा, हमारे पे निर्भर करता है। हमारे जो लाइफ की जो स्थिति है, मतलब हम जहाँ खा रहे हैं, जहाँ कुछ कर रहे हैं, जब कुछ कर रहे हैं, और एवरीथिंग इज मटेरियल जो भी कर तो रहे, आप वहाँ पे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं मत खड़े हो, नहीं नहीं हम तो यहीं है ना, सो हम तो यहीं है, मतलब हम जहाँ है
तो चारों तरफ व्हाटएवर वी सी लुक एट सारी इंफॉर्मेशन है जो सुन रहे हैं जो देख रहे हैं जो खा तो रहे गलत है ना वो तो उस एक एक स्टेज में आके जो है अब सपोज आप 50 के हो गए फॉर एग्जांपल आई डोंट नो 65 तो अगर हम यहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं क्योंकि हमने ही तो अब यहाँ पे खड़े होना डिसाइड किया है आप यहाँ मत खड़े हो जाओ आप यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ पे किसी ने आपको जंजीर से बांध के थोड़ा खड़ा किया हम ही तो खुद खड़े हैं यहाँ पर अब आप सोचो कि भाई मुझे आप किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं तुम काम चलो हाँ है तुम ये हो तुम वो भाई ठीक है क्यों उसको जस्टिफाई करें वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना लगा हमारे ऊपर हमने जस्टिफाई करके भाई किसी ठीक है हम यहाँ पे नहीं खड़े होते हम यहाँ पे खड़े होंगे उसे कहा भाई धन तू भी कमा रहे धन हम भी कमा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम धन नहीं कमा रहे लेकिन हमारा धन अलग है हमारा धन अलग है तेरा धन अलग है तू एक सुई भी नहीं लेके जाएगा हम पूरा माल मतलब लपेट के लेके जाएंगे अपने साथ तू कुछ नहीं लेके जा पाएगा हम सब कुछ लेके जाएंगे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो ना विदुके ना घटता है ना खत्म होता है तो साथ लेके चलेंगे ना उसको पूरे को खजाने को तू नहीं लेके जा पाएगा तू बता तू क्या कर रहा है ये तो आप यहाँ मत खड़े हो जाओ इधर आ जाओ कोशिश तो करके हाँ बस आप कोशिश करो दैट्स फाइन यही चाहिए यही चाहिए आप कोशिश कर रहे हो अब आप अपने से ये सवाल पूछना शुरू कर दो क्या वो पर्याप्त है या नहीं है पर्याप्त है क्या उस कोशिश को बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो अब ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो अपने आप से बात खत्म हो ठीक है और सबसे पहली कंडीशन ये है आप अगर कोशिश कर रहे हो ना सबसे पहली कंडीशन ये है कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए दीक्षा लेनी थी ये बता दो अगर नहीं ली फिर क्या मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता व्यास आसन में बैठे किस बात की ट्राई करना वो ट्राई दिखनी भी तो चाहिए को टेंजिबली कोई दिखाई तो दे क्या हो रहा है क्या गुरु की शरण ली नहीं हम ट्राई बहुत कर रहे हैं अरे भाई क्या आपको एक सपोर्ट तो ले लो किसी से आपका हार्ट वीक है पेस मेकर लगा लो यार एक चलते रहेगी गाड़ी आएगी गुरु का आश्रय नहीं लिया वेल प्रॉब्लम है कोशिश में फिर अगली बात करेंगे अगर जिन्होंने गुरु का आश्रय ले लिया फिर उनसे उनसे उनकी अगली बात करेंगे अच्छा ये तो ये कर रहे हो प्रश्न हम सबसे पूछ लेते हैं प्रश्न हम सबसे पूछ लेते हैं लेकिन पहला पॉइंट यही है गुरु का आश्रय लिया कि नहीं लिया ये बताओ तब आगे बात करेंगे और किसी का प्रश्न है चलो आप सबका धन्यवाद श्री लक्ष्मण बात की।